आज तो बच्चे खाकर पेट भरूंगा मैं। मेरे बच्चे खाने आ रहे हो ना? रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। राजा जी, राजा जी, भागो। मेरे होते हुए तो तुम मेरे बच्चों को कभी नहीं खा सकते। दोबारा आके तो देखा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस अंडे से मेरा बच्चा निकलेगा, मैं और मेरा बच्चा इस जंगल में बहुत खुश रहेंगे और बहुत खेला करेंगे एक दूसरे के साथ। अरे तुम मेरा अंडा खाने आए हो ना? मेरे होते हुए तो तुम मेरा अंडा कभी नहीं खा सकते। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। राजा जी, राजा जी, भागो भागो। बड़ा आया मेरा अंडा खाने वाला। मेरे होते हुए तो तुम मेरा अंडा कभी नहीं खा सकते। मैं तुम्हें जान से ना मार दूंगी अगर तुमने ऐसा किया तो। राजा जी, राजा जी, हमने क्या किया है? आपने हमें क्यों कैद कर रखा है? पागल ऊंट, ये किन को उठा लाए हो? मैंने तो इनको नहीं कहा था, मैंने तो कोई और कहे थे, तुम इनको उठा लाए हो। राजा जी, तो फिर हमें आजाद कर दें, हम अपनी जिंदगी जी ले जाकर। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे इस ऊंट को सेबों का बाग बहुत पसंद है। तुम दोनों ने सेबों का बाग लगाना है। अगर उसको उगाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है राजा जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, हम दोनों मिलकर बाग जरूर उगाएंगे। ठीक है, जाओ फिर तुम दोनों, और आज से ही अपने काम पर शुरू हो जाओ। देखना बतख बहन, हम सेबों का बाग उगाने में कामयाब जरूर हो जाएंगी। अच्छा, तो अब ये सेबों का बाग उगाएंगी अपनी जान को बचाने के लिए। वैसे तो तुम दोनों शायद बाग उगाने में कामयाब हो जाती, लेकिन मेरे होते हुए तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जिस राजा की धमकी देकर तुम दोनों मुझे भगाती रही हो ना, देखना उसी राजा के हाथों तुम लोगों की मौत लिखवाऊंगा। देखा बतख बहन, मैंने कहा था ना कि हम बाग उगाने में कामयाब हो जाएंगी। देखो, आज हमने बाग उगा लिया और अब जाकर राजा जी को बताते हैं ताकि वो हमें अपने कैद से आजाद कर दें। सही कह रही हो, फिर हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। राजा जी, राजा जी, हम दोनों सेबों का बाग उगाने में कामयाब हो गए हैं। आप जाकर देख ले, आपको जरूर पसंद आएगा, उसके बाद आप फिर हमें आजाद कर दीजिएगा। अरे वाह, तुम दोनों तो सच में कामयाब हो गई बाग उगाने में। जरूर जरूर, मैं अभी तुम दोनों के साथ चलता हूँ और तुम दोनों की मेहनत को देखता हूँ जाकर, और अगर मुझे बाग अच्छा लगा तो मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। ये बाग उगाया था तुम दोनों ने, उसको तो आग लगी हुई है। मुझे लगता है तुम दोनों ने कोई बाग नहीं उगाया था, अब वहां पर आग लगाकर तुम दोनों बच रही हो। तुम दोनों ने बहुत ही घटिया हरकत की है ये। नहीं राजा जी, नहीं, हमने ये बाग उगाया था। जब हम आपके पास आ रही थी तब ये बाग बिल्कुल ठीक था, हम यहाँ से होकर आपके पास गए थे। ठीक है, मैं इस बात की पूरी जांच पड़ताल करूंगा, और अगर कसूर तुम दोनों का निकला तो मैं तुम दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। मुझसे झूठ बोलने की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम एक बात की जांच पड़ताल कर सको। एक बतख और मुर्गी ने सेबों का बाग लगाया था, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो उस बाग में आग लगी हुई थी। मुर्गी और बतख का कहना है कि जब वो मेरे पास आई थी तब बाग बिल्कुल ठीक था। अब तुमने इस बात का पता करना है कि असल में वहां पर आग लगी कैसे। राजा जी, इस बात का पता क्या करना है? उस बाग को आग टॉमी ने लगाई है। वहां पर बाग था और मुर्गी और बतख बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वहां पर आग मुर्गी और बतख ने नहीं बल्कि टॉमी ने लगाई है। मुर्गी और बतख के साथ टॉमी की कोई दुश्मनी थी तो उसने वो दुश्मनी निकालने के लिए उनके बाग को आग लगाई ताकि आप उन दोनों को जान से मार दें। तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी मालूमात ले ली है। वहां पर तुम दोनों ने बाग सच में उगाया था, और तुम दोनों को पता है कि तुम्हारे बाग को तबाह करने वाला टॉमी है।
अब जो सजा तुम दोनों को मिलनी थी, अब वो सजा उस टोमी को मिलेगी। क्या लगा था तुम्हें कि मुझे पता नहीं चलेगा मुर्गी और बतख भी कसूर हैं? तुमने मुर्गी और बतख से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस बाघ को आग तो लगा दी, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि उस बाघ के साथ ताल्लुक सिर्फ उस मुर्गी और बतख का नहीं बल्कि राजा का भी है? मैं किसी जानवर को जान से मारने का कायल नहीं हूं, लेकिन तुम जैसे दोगले जानवर को मैं रखना भी नहीं चाहता। तुम्हारी सजा यही है कि अभी और इसी वक्त मेरी रियासत से निकल जाओ, और अगर तुम ना गए तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तो मुर्गी और बत्तख को मारना चाहता था। देखो मेरे गुनाहों की सजा कैसे मुझे मिली। मैं खुद ही घर से बेघर हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम बहुत जल्द मिलेंगे।